अस्सलाम वालेकुम। सारंग किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तामोसी की मच्छी बनाने जा रही हूँ। ये कोकनी लोगों को बहुत पसंद होती है। ऐसे मैंने पीस करके लिए, इसको अच्छे से वॉश करके लिया है मैंने। यहाँ पर खोले रहते हैं इसको, इसको निकाल के ऐसा साफ करके अच्छे से धो के ली हूँ मैंने। ये 1.25 किलो है और यहाँ पर मैंने लहसुन के 10 बारी पकड़ी ली हूँ, कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है, 1 मिर्ची ली हूँ, इसको कूट के लेना है थोड़ा सा, और हरा धनिया थोड़ा सा ली हूँ, 2 चम्मच खोबरा भुनेला है इसको पीस के लिया है मैंने, और 1 बड़ी चम्मच कोकनी मसाला है, 3 बड़े चम्मच है, और हल्दी है 1/2 चम्मच, नमक है 1/2 चम्मच, क्योंकि नमक इसको मच्छी को लगा के ली हूँ इसलिए मैं कम यूज़ करूँगी, और यहाँ पर कोक कम है। बनाना स्टार्ट करते हैं। लहसुन और मिर्ची और ज़ीरे को इसमें हम दस्ते में दरदरा ऐसा कूट के लेंगे। हम को मैं दरदरा पीस के कूट के ली हूँ। मच्छी को मसाला लगा के लेंगे। नमक ऐड किया है, हल्दी और मसाला। ये ऐसी ही बहुत टेस्टी बनती है मच्छी तांबोसे की, ये सबको पसंद आती है। हमारे कोकनी लोगों को तो बहुत पसंद आती है मच्छी, ज़रूर ट्राई करना। ऐसा सिंपल सी बनती है मगर बहुत ज़बरदस्त बनती है। और एक कोकम भी इसमें ही ऐड करूँगी। इसको 20 मिनट पहले मैंने नमक लगा के रखी थी मच्छी को, फिर वो अच्छे से धो के इसको लिया है मैंने। इसको ऐसे ही थोड़ा देर रखेंगे फिर बनाएंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने तेल ऐड किया है। यहाँ पर मैंने लगनी ली हूँ, इसके अंदर कड़ी पत्ता ऐड करूँगी। रस लहसुन का, ये जीरा लहसुन मिर्ची का दरदरा वाला पीसा हुआ मसाला ऐड किया है। इसमें लहसुन ज़्यादा होने मांगता, अच्छी लगती है इसमें। इसको थोड़ा सा हल्का सा लाल करके लेंगे। हल्के से फ्राई हो चुकी है, इसमें मच्छी ऐड करूंगी। अच्छे से इसको मिक्स करके लेंगे इसके अंदर। इसको धीमे आंच पे ऐसे ही रखेंगे 2 मिनट, और फिर पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। ये मच्छी का मसाला लगाई थी उसका पानी है, 1 गिलास में पानी ऐड करती हूँ। अच्छे से इसको पका के लेंगे धीमे आंच पे, इसको 10 मिनट अच्छा पका के लेना है। इसकी अच्छी ग्रेवी हो जाएगी। ये थोड़ा सा पकते आने के बाद में हम इसमें खोबरा ऐड करेंगे। इसमें खोबरा ऐड करती हूँ। तो हल्के आंच से ऐसा इसको अच्छा और थोड़ा पकने देंगे। इसमें हरा धनिया भी ऐड करती हूँ और थोड़ा पकने देंगे इसको। खोबरा ऐड किए हैं, अच्छी अच्छे से पक चुकी है अच्छी ग्रेवी। इसको रोटी के साथ में, चावल की, गेहूँ की चावल के साथ में आप इसको खा सकते हैं। मैं सर्व करती हूँ। मच्छी की ग्रेवी बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती होंगी तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कैसी लगी है, ज़रूर ट्राई करना। अल्लाह हाफिज़।